नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया पावर न्यूज। जुर्म का पर्दाफाश। यूपी के बस्ती जनपद से बड़ी खबर आ रही है। बस्ती जिले में एक युवती पर एसिड फेंके जाने का मामला सामने आया है। एसिड अटैक से बुरी तरह घायल युवती को परिजनों द्वारा जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। एसिड फेंकने वाले युवक गाँव के ही रहने वाले बताए जा रहे हैं। पूरा मामला एक तरफा प्रेम प्रसंग का सामने आ रहा है। अपना प्यार नाकाम रहने पर युवक ने यह कदम उठाया। पीड़ित युवती रुखसार ने बताया कि युवक शराफत अली पिछले काफ़ी दिनों से मेरे पीछे पड़ा हुआ था, शादी करने का दबाव बना रहा था। युवक के चलते युवती की शादी नहीं हो पा रही थी। मामले में तेजी दिखाते हुए सोनहा पुलिस ने तेजाब फेंकने वाले एक युवक को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। आइए देखते हैं बस्ती से इंडिया पावर न्यूज की एक रिपोर्ट। सिस्टर जब चीखने लगे तो हमारे सिस्टर की आंखें खुली, तो मतलब दोनों लोग को देख ली थी, तो उसको मतलब एक को एकदम पहचान गई है और राकेश को भी पहचान गए, लेकिन वो भाग गया, फरार हो गया वहाँ से। तो मतलब हमारी बहन जब मतलब चीखने उठने लगे तो भाई लोग हमारे आए, तो हमारी बहन बताने लगी कि वही अशराफुल्ला है, उसको पहले पकड़ो, उसके बाद उसको बताएगा तो उसको पकड़ के लाना है। वो तो पता नहीं कहाँ निकल गया। क्यों तेजाब डाला कि? सर वो मतलब जलता था, मुझसे कह रहा था ना कि मतलब शादी वादी बनाने के लिए, मेरे से कह रहा था मेरे साथ भाग चलो, नहीं तो तुम्हारी शादी तो हो गई है, तुम्हारी शादी नहीं हो गई है। उसके बाद हमारे मतलब घर वहाँ जहाँ हमारी शादी लगी थी वहाँ भी वो चला गया था। फिर उसके बाद में मेरे शादी तोड़ाने के लिए मतलब वहाँ भी गया हमारे अंतर्गत शहजाद अली अख्तर, ये ग्राम बड़ोखर के रहने वाले, इन्होंने थाने में तहरीर दी सोनहा थाने में कि इनकी बहन और इनकी माता जी कल रात में सो रही थी, तो उनके ऊपर तीन लड़के आए और तेजाब फेंक करके चले गए। हालांकि जो तेजाब है वो फेटल नहीं है और खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। इसमें दो भी का नाम उन्होंने बताया है, एक और बताया जा रहा है लेकिन वो क्लियर नहीं है, राकेश यादव और एक शराफतुल्ला, जिसमें से शराफतुल्ला की गिरफ्तारी कर ली गई है और दूसरे अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए अभी टीम लगाई गई है। वजह सर क्या सामने आई है? जो बताया है कि इस लड़की की शादी तय हो गई थी, जिसको लेकर के ये राकेश खुश नहीं था और उसने बदले की भावना से ये तेजाब फेंकने की घटना किया है, और ये बड़ा ही सीरियस ऑफेंस है, इसमें आजीवन कारावास तक का प्रावधान है और इसको गिरफ्तारी करने के लिए बड़े कड़े निर्देश दिए गए। मौके का जो मुआयना है कप्तान साहब एवं अन्य लोगों ने कर लिया है। सर एसिड पूर्णतः प्रतिबंधित है, लेकिन कैसे उस युवक को मिला, आखिर में कैसे एसिड भी कराया, क्या कहीं ऐसा कुछ जानकारी आप? नहीं, ये पहले जब घटनाएं हुई थी तो सरकार ने बड़े स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स किए थे कि जहां भी इसकी सेल हो रही है उसको प्रतिबंधित कर दिया जाए, केवल लाइसेंस्ड लोग जो हैं वही इसका कर सकते हैं, और काफ़ी अभियान भी चला था। तो ये भी एक जाँच का विषय है कि कहाँ से उनको ये तेजाब मिल गया, और वो भी तीव्रता वाला, तो जिसने बेचा है उसको भी चिन्हित करा के उसे गिरफ्तार किया जाएगा। प्रेम प्रपंच का भी कुछ मामला सर लग रहा है इसमें, दो जो दोनों युवक हैं उनमें से किसी का युवती के साथ? राकेश यादव जो है वो तो शादीशुदा है, परंतु तो बताया जा रहा है कि इसका कोई संबंध हो सकता है, क्योंकि ये चीज़ आई है कि वो उसकी शादी से नाखुश था इसलिए उसने कदम उठाया। बाकी अभी बहुत प्रिलिमिनरी जानकारी हम लोग के पास है, स्थिति और स्पष्ट होगी तो अवगत करा दिया जाए। थैंक यू। जैसे हम लोग सो रहे थे और फिर जब वो का नाम उधर से आए लोग मेरे बहन के ऊपर पड़ा, तो फिर हम उठे और जब उठे तो उसके बाद में देखें दोनों जने भागें, तो एक जने गांव कर रहे, फिर का नाम है जब ये भागे यार गांव की तरफ और दूसरे जने जा रहे हैं वह हर भागें अरे खेत के तरफ, तो फिर भाई लोग हमारे सब लोगों का देखे लागिन जो जला रहा, तो हम चिल्लाने हम कहें भागो ना, वो का नाम है अरे अशराफुल्ला और का नाम है राकेश, दोनों जने भागे ना, उन्हें तो सिवाने से निकल गए, लेकिन इन्हें पकड़ो पहले, तब फिर उकरे बाद में ये बताए दिए पूरा कि मतलब कहाँ गए हैं कहाँ नहीं गए हैं, तब इन्हें फिर हमारे लोग गए पकड़ के उठाए घर पे लेके आए। किस मामले को लेके आखिर ये लोग मतलब ब्लैकमेल कर रहे थे मेरे बहन को? क्या कर रहे थे? कि मतलब मेरे साथ शादी बना लो, भाग चलो, फिर मेरे अकाउंट में इतने पैसे हैं कि हम अपने बीवी के लिए मतलब भरदेव की बताई हैं, और उन्हें तकलीफ ना ही रही,
यही सब के लिए। तो वो मतलब उसकी शादी भी लगी थी।